मैं इस समय झाबुआ शहर के अंबेडकर पार्क में हूँ और इस पार्क से हम आपको वो खबर बता रहे हैं कि कैसे जो खराब मानी जा रही चीज़ें हैं उनको रीयूज़ करके प्रोडक्टिविटी के जरिए हम बेहतर कर सकते हैं। झाबुआ नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने इस RRR प्रोजेक्ट के जरिए इस अंबेडकर गार्डन में जो कुछ किया है, पहले मैं आपको वो तस्वीरें बताता हूँ और उसके बाद बताते हैं कि आखिर ये RRR है क्या। ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कार दिखाई दे रही होगी, सफ़ेद और लाल रंग की, टायर भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बना दिया गया है और ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बाउंड्री है और जिन बोतलों का इस्तेमाल इस कार को बनाने में किया गया है, इन बाउंड्री लाइन को बनाने में किया गया है, ये तमाम बोतल ये वेस्ट हैं, फेंक दी गई थी लेकिन सफाई कर्मचारियों ने उसे कलेक्ट किया और उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया। ये पूरा गार्डन है, आप पूरा व्यू देखिए। अब आपको हम दूसरे हिस्से की ओर ले चलते हैं जहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। ये न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि एक संदेश भी देती है। ये देखिए, ये पान के पत्ते की आकृति भी आप कह सकते हैं, दिल की आकृति भी इसे आप कह सकते हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से इनका इस्तेमाल किया गया है और अब लगे हाथों आप पीछे ये भी देख लीजिए कि ये बनी किससे हैं। हम बोल रहे हैं ये मत मानिए, ये देखिए आप, ये जो बोतलें हम पानी पीकर फेंक देते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, यहाँ भी एक आकृति यहाँ पर बनाई गई है। आप बता दीजिए, यहाँ पर अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है, पुराने वेस्ट टायरों का भी इस्तेमाल किया गया है और उसको शानदार आकार दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, बकायदा खूबसूरत तरीके से स्टैंड में लिखा गया है, मैं नहीं हूँ बेकार, RR पार्क, नगर पालिका झाबुआ। यानी जिसे बेकार मानकर फेंक दिया जाता है, यूज़लेस माना जाता है, उन्हीं का यहाँ पर इस्तेमाल इस पार्क में हुआ है। ये देखिए, फटी पुरानी जीन्स के से गमला बना दिया गया, जूतों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर भी देखिए आप, पुराने जूतों में पौधे लगा दिए गए हैं और ये जो डस्टबिन है यूज़लेस, उनको भी शानदार तरीके से यहाँ पर बना दिया गया है। अब इसी RR पार्क में आप देखिए, ये सेल्फी पॉइंट है जो कि यूज्ड की हुई प्लास्टिक बोतलें जो बेकार समझकर फेंक दी गई थी उनके इस्तेमाल करके बनाया गया है और यहाँ एक बैठक का भी इंतज़ाम किया गया है। तो इसी पार्क में एक डिज़ाइन और है, आप देखिए, टायरों का इस्तेमाल हुआ है, नीचे बॉटल है और JMC लिखा हुआ है, झाबुआ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ हमारे साथ वो तमाम कर्मचारी मौजूद हैं नगर पालिका के जिन्होंने इस पूरे निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बिट्टू सिंगार जी भी मौजूद हैं, अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। तो बिट्टू भाई, आ जाइए, आप लोग पास में आ जाइए। ये RRR क्या है? एक फार्मूला है, 3R का मतलब यह है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कचरे को किया जाता है, उसमें रहता है कि जो वेस्ट चीज़ें रहती है उसको नगर पालिका के हमारे जो कर्मचारी हैं ये अपने इसको इकट्ठा करके, इससे क्या जो चीज़ हम फेंक देते हैं, हम सोचते हैं इसका यूज़ नहीं है, तो उसको क्या यूज़ करते हैं, उस यूज़ के बारे में आप देख सकते हैं कि इनने उसी जो वेस्ट कचरा था उससे इनने गाड़ी बनाई है, इनने पीपल का पत्ता बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है, ये JMC आप देख रहे हैं एक झोपड़ी बनाई है और अभी आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सफाईकर्मी बना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से ट्रेनिंग दी जा रही है, ये आपस में एक दूसरे से साझा करके, जो इनके निरीक्षक हैं टोनी जी, वो खुद इन्हें बता रहे हैं, इनकी गाइडलाइन में सब काम कर रहे हैं और जितना भी वेस्ट जहाँ से भी एकत्रित कर रहे हैं उससे एक नई नई चीज़ें बनाई जा रही है। तो क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से आप? सर, यही कि ये बाटलें हैं सर, कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं, ना इन बाटलों पे पानी का असर होता है, ना धूप का असर होता है, ना ठंड का, मतलब इस पर ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए हमने इस चीज़ का इस्तेमाल करा और पूरे विश्व आज इस चीज़ों से जूझ रहा सर, जो ग्लोबल वार्मिंग ये इन चीज़ों से, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि सर इनसे हम ये कर सकते हैं।
तो आपके कितने साथी इस अभियान में लगे थे और कब से आप लोग कर रहे हैं ये? सर हम 3 महीने से लगे ले हैं और 7 लोगों की टीम गठन करके मैंने पूरे इसी में से कोई सफाई कर्मचारियों में से हमने एक पेंटर निकाला, जो कोई एक लिखने वाला निकाला, एक कलाकार जो उस आकृति दे दे, ऐसे हमने 7 लोग उस 180 में से 7 लोगों की टीम बनाई सर मैंने। तो अब आगे और क्या, मैंने सुना हेलीकॉप्टर भी बना रहे हो सर? बिल्कुल, वो भी 4-5 दिन में यहाँ लॉन्च हो जाएगा सर, वो भी पूरी बोतलों का है सर। तो इसका प्रचार प्रसार हुआ है क्या, किस तरीके से नगर पालिका इसका प्रचार प्रसार कर रही है? बिल्कुल, इसका प्रचार प्रसार इससे लोग बाग भी हम यहाँ देखते हैं, जैसे पुलिस वाले भी अभी आए थे बीच में, कुछ बच्चे भी आए थे, खुद खड़े रह के सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं और हमारे कर्मचारियों की तारीफ भी की जा रही है। और आप लोगों के माध्यम से भी जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, इनका भी एक अनुभव बढ़ रहा है और इनको एक प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि इस तरीके का ये कार्य कर रहे हैं, एक अपनी सफाई कार्य को साथ में रहते रहते एक नया कार्य भी कर रहे हैं। और मेरा ये है कि इनको देखते हुए इससे एक मैसेज भी अच्छा जाएगा कि छोटे जो बच्चे हैं स्कूलों में भी, वो भी जो वेस्ट कचरा है उससे भी वो नए कुछ खिलौने बना सकते हैं, नए कुछ आकृतियाँ बना सकते हैं। और उनका भी अगर कुछ सहयोग चाहिएगा तो हमारे सफाईकर्मी, हमारे टोनी जी मालवा, ये सब जाके वहाँ पर भी इस तरीके की जानकारी जरूर देंगे। तो आपने देखा झाबुआ के इस अंबेडकर पार्क में, जिसे आरआर पार्क भी कहा जा रहा है, किस तरीके से नवाचार किया गया है। JMC झाबुआ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, झाबुआ नगर पालिका, इसके कर्मचारी हैं, देखिए 180 कर्मचारियों में से 7 लोग निकाले गए और इस मिशन में लोग 3 महीने से जुटे हैं। कहा जाता है कि एक व्यक्ति में कई टैलेंट होते हैं, काम भले वो कुछ भी करे, उसी टैलेंट को सर्च करके उन्होंने यहाँ पर आरआर पार्क बना दिया है। इस पार्क को हमने आपको दिखाया, इनका विज़न क्या है वो आपको बताया। अम्बेडकर पार्क झाबुआ में कलेक्ट्रेट और कोर्ट के ठीक सामने है। आप भी जब भी झाबुआ आएँ या झाबुआ शहर में रहते हैं, इस पार्क में आकर देखें, इनकी मेहनत को देखें, इनके विज़न को देखें, इनका प्रोत्साहन बढ़ाएं और वेस्ट चीज़ों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है अपने जीवन में, अपने आसपास आप भी ज़रूर उसे उतारें। इस वीडियो पर, इस आरआर पार्क पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ।